मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी में समाजवादी पार्टी के राजकुमार अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। इस जीत के लिए अब उन्हें कोई भी फॉर्मूला क्यों ना आजमाना पड़े। अब आपने देखा ही होगा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम के नाम का चंदन अपने माथे पर भी लगाया था। ये यूपी के सीएम योगी का ही दम था जो कभी राम सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के राजकुमार अयोध्या दौड़े दौड़े पहुंचे थे और ये तक कह रहे थे कि राम मंदिर जब भक्तों के लिए खुलेगा तो वो सबसे पहले मंदिर आएंगे। जालीदार टोपी पहनने वाले अखिलेश भी माथे पर चंदन लगाकर राम के रंग में रंगे हुए नजर आए थे। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि योगी बनना इतना आसान काम नहीं है। सीएम योगी अक्सर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि इसके लिए मुसलमानों के हक का दमन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ऐसे मुगल आक्रांताओं के खिलाफ है जिन्होंने इस्लाम के प्रचार के लिए दुनिया भर में सनातन धर्म को अपना निशाना बनाया, मंदिरों को क्षति पहुंचाई। जब भी योगी को पता लगता है कि देश विरोधी ताकतें या यूं कहें कि चंद लोग राजनीति के लिए सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, तो योगी रौद्र रूप में नजर आते हैं। वोटों के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव मैदान में है। इस बार अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी की माता से अपना गहरा रिश्ता बताया है और सीएम को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने मुगल म्यूजियम को लेकर कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने अखिलेश यादव की पार्टी पर निशाना साधा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आप याद कीजिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी आए थे और उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी और यहाँ पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब की याद में मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा मुगल का यहाँ से क्या संबंध, इसको छत्रपति शिवाजी के नाम से कीजिए। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारत के नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। अब याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया था और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा मुगल का यहां से क्या संबंध है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाओ। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। किसी आक्रांता से हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने वहां पर उस रूप में भव्य म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को सजोए हुए हम लोग वहां आगे बढ़े। अब इस बयान के बाद अखिलेश यादव को मिर्ची लगना लाजमी था। मेरठ में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल काल के दौरान भारत की गंगा जमुना तहजीब से परिचय कराया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है, उनकी माता जी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं जानते, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ जानते होते तो वो जो म्यूजियम था, मैं पत्रकार साथियों सब नए लोग हो, आप नए लड़के हो और शायद मुख्यमंत्री गूगल से कोई चीज सर्च नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जानता हूँ यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो वो म्यूजियम बन रहा था, वो म्यूजियम इसलिए बन रहा था कि हमारा टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं उन्हें कम से कम मुगल सम्राट के समय पर या मुगल म्यूजियम के बहाने पूरे भारत की संस्कृति को बताया जाए, भारत की मिली जुली संस्कृति से परिचय कराया जाए, भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे परिचय कराया जाए। और जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिजाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। सोचो, यूरोप का जो सबसे बड़ा अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है
उस आर्किटेक्ट ने आकर के आगरा में डिजाइन किया। वो मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब का था, मिली जुली संस्कृति का था, भाईचारे का था। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि शिवाजी से उनका बहुत पुराना रिश्ता है। अरे उनकी माता जी से हमारा उनसे ज्यादा गहरा रिश्ता है। और मैं ये बात कहूंगा आपसे, आप भी वो बात गूगल जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना। अभी मैं आ रहा था मेरठ से करनाल रोड, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क थी, इन्होंने NHAI को दे दिया, अब आपकी जेब खाली होगी, टोल लगेगा कि नहीं लगेगा। और इस सड़क पर नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखाई दी मुझे, सांडों की एक झुंड बना के सांड बैठे हुए थे। वो ये बता रहे थे कि आप स्पीड ज्यादा तेज मत करो, अगर की तो आपकी जान चली जाएगी। और मुझे याद है वो दिन जिस समय एक बैंक का अधिकारी और कर्मचारी की सांड से टकरा करके जान गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, और जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो भी आज तक नहीं खत्म हो पाया। तो महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे वो आप जानते हो। सर 2024 में इंडिया का मोर्चा है। इस बयान को बड़ी ही गहनता से समझना जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश के इस बयान के पीछे सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। उनका मानना है कि साल 2022 में यूपी के चुनाव में विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद अखिलेश यादव पिछड़ा अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश में है। शिवाजी की मां जुजाबाई से अपना संबंध बनाना इसी कड़ी में एक कदम माना जा रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सपा अपने पैर पसारने की कोशिश में है। अभी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं अब्बू आजमी, जो कह चुके हैं कि राज्य में सपा लगभग एक दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। ऐसे में इसे महाराष्ट्र के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। छत्रपति शिवाजी की माता का जन्म महाराष्ट्र के सिंदखेड़ राजा क्षेत्र के जिजाऊ महल में हुआ था। जिजाबाई के जरिए सपा ने महाराष्ट्र को साधने की भी कोशिश की, लेकिन क्या सपा का ये मास्टर स्ट्रोक काम आता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।